प्रियंका चौधरी ने आखिरकार अब्दुल रोजी खान के साथ ऐसा क्या कर दिया है, ऐसी कौन सी गंदी बात कर दी है कि अब अब्दुल रोजी खान बिग बॉस के घर के अंदर एक कोने में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अब्दू की आंखों से आंसू आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब प्रियंका चौधरी और अब्दुल रोजी खान से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसमें अब्दुल रोजी खान प्रियंका पर अब बड़े बड़े इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव ठाकरे को जब इस बारे में पता चला तो शिव ठाकरे भी हैरान हो गए और शिव ने अब्दू को कुछ बातें भी कही हैं। ऐसे में आखिर क्या कर दिया है प्रियंका ने, क्या प्रियंका ने अब्दू के साथ कोई ऐसी चीज कर दी है जिसको लेकर अब अब्दू रोजी खान वीकेंड का वार पर भी बताने वाले हैं? क्या है पूरी खबर, क्यों अब्दू अकेले कोने में बैठे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब्दुल रोजी खान एक बार फिर से कैप्टन बन चुके हैं। ये दूसरी बार है जब हमें अब्दुल रोजी खान घर के अंदर कैप्टन के तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बीती रात को घर के अंदर एक राशन वाला टास्क हुआ जिसमें सभी घर वालों ने एक दूसरे से सहमति नहीं की। शालीन और टीना दत्ता की वजह से बिग बॉस ने सभी घर वालों से उनका राशन छीन लिया। ऐसे में आपको बता दें कि बिग बॉस ने जिसके बाद ये कहा कि सभी घर वालों के लिए डिनर स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो अभी जाओ और अपना डिनर लेके आओ। ऐसे में आपको बता दें कि शालीन भानोट और शिव ठाकरे स्टोर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर डिनर तो नहीं होता, लेकिन बिग बॉस ने सभी घर वालों के लिए फ्रूट्स रखे होते हैं। दोनों उन फ्रूट्स को लेकर बाहर रख देते हैं, जिसके बाद प्रियंका कहती है कि मैं ये फ्रूट्स क्या सभी घर वालों में बांट दूं, जिसके बाद घर वाले कहते हैं कि हाँ यार तू जल्दी से बांट दे, जिसके बाद प्रियंका चौधरी इन सारे फ्रूट्स को सभी घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि साजिद खान सीधा सीधा अब्दू से कहते हैं कि अब्दू घर के कैप्टन तुम हो, इसलिए तुम्हें ये फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, जिसके जवाब में अब्दू कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझसे पहले तो प्रियंका ही इस फ्रूट को बांटने लग पड़ी थी। ये बात सुनकर सीधा सीधा आपको बता दें कि अब्दुल रोजी खान घर के एक कोने में जाकर अपसेट से नजर आते हैं, जिसके बाद शिव वहां पर जाते हैं और पूछते हैं तू परेशान क्यों लग रहा है। अब्दू कहते हैं कि मेरी बात घर के अंदर प्रियंका तो मानती ही नहीं है, उसने मुझसे पूछे बिना ही ये सारे फ्रूट बांट दिए, जिसके बाद शिव ठाकरे अब्दू को कहते हैं कि तू जो भी बातें कहता है तुम्हें जोर से कहनी पड़ेगी, सभी घर वालों के सामने कहनी पड़ेगी, अपना स्टैंड सबके सामने लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही प्रियंका भी तुम्हारी बात मानेगी। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर बात करें तो अब अब्दुल रोजी खान को प्रियंका चौधरी का बिहेवियर घर के अंदर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो अकेले अपसेट से नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब अब्दू कौन सा कदम उठाने वाले हैं, हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।